ये हमारे बस की बात नहीं है, ये पुराने लोग होते थे ना वो ये फूकनी का यूज़ करते थे, इसे बोलते थे फूकनी, हमारे घर में भी होती थी, मम्मी पापा सब यूज़ करते होते थे, बट इस टाइम पे पहाड़ों पे ये बहुत टाइम के बाद मिली है इसलिए हम थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हम जो जगह पर रुके हैं जिंगारो कैंपिंग, यहाँ पर आप आ सकते हो, बेस्ट व्यू है, बहुत ही बेस्ट कैंपिंग साइड है, और इवन रात को जब आप हॉर्नबिल अटेंड करने के बाद आते हो तो यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है, जैसे आज जैमिंग सेशन है तो मज़ा आएगा, गर्म पानी ठंडा पानी सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, और टेंट का प्राइस है 1500 रुपये मात्र। अगर हमारे चीता लोग हमारा नाम लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा मात्र 1100 रुपये में, आपको टेंट और यही सारी फैसिलिटी फिर से मिलेगी। मैंने बताया ना हिमांशु, रात का कुछ प्लानिंग की है। हिमांशु इन डिब्बों में क्या है? वाइल्ड एप्पल वाइट। दिखाइए हमारे को, जरा दिखाया जाए। थोड़ा धुआं है, वो जली नहीं ना फूकनी से, पर हम ट्राई करेंगे। मीठा है? हां, इट टेक्स टाइम टू गेट फ्रॉम इट, मतलब कितना टाइम में अच्छे से बन जाती है, लंबा रखोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। तो इसको मैं ले जाऊंगा गंगानगर, 15-20 साल रखता हूं फिर आराम से पीऊंगा। नशे का पूर्ण यूज यहां पर किया जा रहा है। ओके, दिस इज अ वाइल्ड एप्पल, दिस वाइल्ड मैन एंजॉय, इसका सारा जूस सोख लेता है ना, जूस सारा हो गया। ये थोड़ा खट्टा है। हाँ। सारे वो भी सार होता है तो ये लोग मीठा ऐड करते हैं टू मेक इट स्वीट। ओके नाइस, पर ये हम खत्म करेंगे, वो खाएं या ना खाएं इसको खत्म करेंगे। दीदी ये कौन सा पौधा है? ये कौन सा है? लाई पत्ता। लाई पत्ता, ये जो लाई पत्ता होता है ये शुगर और डायबिटीज के लिए अच्छा होता है, और हिमांशु हमारे को बता रहा था कि इसको उबाल के खाते हैं यहाँ के लोग, और मोस्टली यहाँ पर फसल होती है लाई की, स्टैंड के जस्ट सामने ही लगा हुआ हमारे, और क्या चाहिए। तो अभी हमारे को यहाँ से जाना पड़ेगा 800 मीटर कुछ पैदल चल के, हिम्मत जुटा के जाएंगे, अगर लिफ्ट मिल गई तो बहुत ही अच्छी बात है तो पहुँच जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट सूचना, हमारा जो दोस्त था बीमार था वो आज जा चुका है, हमने उसको अलविदा कह दिया क्योंकि ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी उसकी, तो हमने बोला तू निकल जा, तो वो चला गया वापस, तो हम अब दो बंजारे रह गए हैं साथ में। देखो जी, आज हम हॉर्नबिल में पहुंचे, और हॉर्नबिल में 1-2 बजे तक कुछ ब्रेक होता है। हम आए हैं जी अभी ये वॉर म्यूजियम है, जो क्या बोलते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूज हुआ वेपन्स वगैरह जो वहाँ से लेके आए, बहुत कुछ है यहाँ, चलो देखते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ लगा हुआ है सर, एक्चुअल ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है और जापानियों का है जो हमने रिकवर किया है उसी टाइम में। बाकी कुछ एक बोर्ड्स आपके लगे हुए दिखेंगे पीछे में, ये हमारे वर्ड डायरी के प्रतिलिपि है जो यहाँ पर हमने लगा रखा है, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपने बताया था कि ये लगाया है कि आप देख वेपन्स, जो वेपन्स लगाए हुए हैं और मॉडल्स वगैरह लगाए हुए हैं वो सारे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के ही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नगर क्राफ्ट पोर्टफोलियो में, और यहाँ पर सब कुछ हैंडमेड है, यानी कि चरखा काटा जा रहा है, और शॉल भी देखी हमने 1500 की है, तो यहाँ पर मिलेगी, बाहर शायद एक्सपेंसिव है और हाथ से बनाई है। शाउटिंग नहीं बाबू, शाउटिंग और चीज दिखा दो। नागा क्राफ्ट मार्केट में हिप्पी को ना अपना बचपन याद आ गया, मेरे को लग रहा है भूल गई अंदर जगह, आधा घंटा हो गया मैं बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा हूँ, क्या चरखा काटने लगी, क्या क्या बनाने लगी, अरे बड़ी सीरियस बोल रहे हैं सॉरी, आज आप स्माइल, मेरे को ऐसा लगा मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, ये चलेगी मेरी सुषमा पुष्पा आएंगी। देख रही, यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम में जाने के हैं 10 रुपीज टिकट है, पर अगर आप मोबाइल लेके जाना चाहते हैं उनका 50 है, डिजिटल कैमरा से अगर फोटोग्राफी करेंगे तो 50 रुपये, अगर वीडियोग्राफी करेंगे तो 2000 रुपये।
अंदर जाके ना एक चीज समझ में आई कि जो वर्ल्ड वॉर बोलते हैं ना उसको, कि वो वर्ल्ड वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर, वो इतना बड़ा जंग हुई थी उस टाइम पे, राइट? मतलब इतना कुछ है वहाँ पर देखने को, इतनी सारी डेट्स हैं, मतलब कि इस तारीख को, सारी इन्फॉर्मेशन के साथ इस तारीख को ये हुआ 1944 में, 18 को, 19 को, 20 को, तो मतलब वो अंदर जाके ना वो फील ही अलग है कि आप सिर्फ उन चीज़ों को फील कर रहे हो, जब आप आओगे ना यहाँ पर तो ही देख पाओगे। मैं आपको ऐसे बताऊँगा तो समझ में नहीं आएगा, समझ में, और मैं समझा भी नहीं पाऊँगा, समझ में तो आपको आ जाएगा, आप इंटेलिजेंट लोग हो, और मैं समझा नहीं पाऊँगा। एरोप्लेन के मलबा था, टिफन्स थे लोगों के जो शायद अटैक के टाइम पे, जापानीज आर्मी का भी वो सब रखा हुआ था चीज़ें, हाँ, उनको मिला हुआ है वॉर में। तो पोप जो यूज़ की थी उस टाइम पे, या जो लेके आ गए हैं वहाँ से जंग के बाद, बहुत कुछ था। तो आओ तो ये मिस मत करना, हमारा मिस हो जाता शायद ये इत्तेफाक से हमने देख लिया, तो आप लोग आओ तो मिस मत करना इसको, ठीक है? अब जा रहे हैं हम अंदर फेस्टिवल अटेंड करने, नहीं तो ज़्यादा सीरियस हो जाऊँगा ना मैं, ऐसे देशभक्ति निकल आएगी हमारी। जय हिंद। हमको ना इतना टाइम हो गया यहाँ पर, हमारे को ना ये वाली रोड अभी तक नहीं मिली है। ये आप जब हॉर्नबिल की तरफ जाते हो ना, तो उससे पहले ही आ जाएगा, और यहाँ पर आपको पूरा चिकन वेज ये खाना मिल सकता है, मैगी, पाव भाजी, ऐसी चीज़ें। और हॉर्नबिल में जाओगे ना तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पर पाव कोरी ये सब चीज़ें मिल रही है, वो हम खाते नहीं हैं। तो हमने पता किया कि कहाँ पर मिल सकता है, और हमको सोच के मुँह में पानी आ गया, क्योंकि मैगी है, पाव भाजी है। अभी हम थोड़ा सर्च एंड डेवलप, पराठा हो सब्जी के साथ, चाय भी है, मसाला चाय, क्या बात कर रहे हो? पराठा, समोसा, प्याज का पकौड़ी, चाय, समोसा और चाय, दो पराठा कर दो। थैंक यू। जी ठंड बहुत बढ़ चुकी है, इवेंट हॉर्नबिल का इवेंट बहुत ही शानदार चल रहा है, और ठंड बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए मंगाई गई है कॉफ़ी, ठीक है? हाथ मतलब आप एसी के अंदर दे दो, एसी के अंदर मत दे दो, पंखे में घुस जाएंगी उंगलियाँ, समझो इस बात को, एसी के आगे, मतलब ठंडा होता ना जहाँ, वैसे वो पड़ा है, मतलब हालत ख़राब है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब समझ रहे हो तुम, ऊपर नहाए औरतें आज सुबह, हालत और ख़राब है, तो इसलिए हमने सोचा कि अब हम चुपचाप घर जाएंगे, सो जाएंगे, पता नहीं सो पाएंगे या नहीं, दो दो स्लीपिंग बैग में घुस के सोना पड़ रहा है हमारे को, तो ऐसी हालत है। तो ठीक है जी, बस अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पियोगे? चीयर्स। ठीक है जी। तो अपना आपका ख्याल रखो, साडा ख्याल था, रब ही रखूँगा, चंगा वे, रब रखा ही रहे, रब रखा।